आईपीएल के इस सीजन के पहले डबल हेडर मुकाबले की सबसे बड़ी स्टोरी है ऋषभ पंत की वापसी। दिसंबर 2022 के भीषण सड़क हादसे के बाद पंत की वापसी का इंतजार सिर्फ डीसी फैंस ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा था। आज 453 दिन बाद जब ऋषभ पंत डीसी की जर्सी में मैदान पर उतरे तो यह पल उनके लिए ही नहीं बल्कि फैंस के लिए भी इमोशनल मोमेंट रहा। हालांकि चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे पंत अपनी वापसी का ऐलान पुराने अंदाज में करना चाहते थे, लेकिन वह पारी में स्टार्ट को लेकर थोड़ा परेशान रहे। पंत 18 रन के स्कोर पर हर्षल पटेल की स्लो बाउंसर गेंद पर बेरेस्टो के हाथ में कैच थमा बैठे। यह स्कोर आज के दिन मायने नहीं रखता क्योंकि एक वक्त था जब सवाल ये था कि पंत क्या नॉर्मल फिट हो पाएंगे, लेकिन पंत ने दस्ताने, बैट और कप्तानी तीनों पकड़कर इस सीजन ग्रेटेस्ट कमबैक की कहानी लिखनी शुरू कर दी है। हालांकि दिल्ली की टूर्नामेंट की शुरुआत उनके उम्मीद मुताबिक नहीं रही है। मध्य क्रम की समस्या और टीम कॉम्बिनेशन को सेट न कर पाना यह डीसी की पिछले सीजन की भी कहानी रही है और यह माइनस पॉइंट आज भी मैच में डिफरेंस का कारण रहा। डीसी के लिए आने वाले मुकाबलों में सही टीम कॉम्बिनेशन बिठाना सबसे जरूरी पहलू होगा। वहीं अगर बात दिन के दूसरे मुकाबले की करें तो केकेआर के खेमे में भी एक नहीं बल्कि दो दो कमबैक का इंपैक्ट दिखा। आंद्रे रसल ने पहले ही मुकाबले में अपना और एग्रेसिव रूप दिखा दिया है और गौतम गंभीर के टीम एसोसिएशन का प्रभाव टीम की मेंटेलिटी में इस सीजन देखने को मिलेगा। ये मुकाबला वैसे तो रसल और क्लासन के बीच का रहा। सॉल्ट और रसेल की धमाकेदार पारी के दम पर केकेआर ने हैदराबाद को एक बड़ा लक्ष्य दिया जिसके दबाव में सनराइजर्स की पारी हिल डुल रही थी। फिर आए हेनरिक क्लासन और अपने कमाल की क्लास से हारी हुई बाजी सनराइजर्स के लिए लगभग जीत ली थी, लेकिन लास्ट ओवर थ्रिलर में केकेआर ने मैच जीत लिया।